हेलो वेलकम, स्वागत है आपका फॉरेक्स फॉर अनबॉक्स में। सो फ्रेंड, आज पोको ने लॉन्च कर दिया अपना नया स्मार्टफोन पोको M4 प्रो। तो करेंगे इसका अनबॉक्सिंग और बताएंगे फ़ोन के बारे में। तो फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही इसके अंदर एक सेम इजेक्टर टूल देखने मिलता है और पोको के कुछ स्टिकर और एक सॉफ्ट सा केस। वो फ़ोन को अभी रखते हैं साइड में। और क्या है नेक्स्ट बॉक्स में, एक जिसके अंदर 33 वॉट का एक चार्जर एडाप्टर देखने मिल जाता है और साथ में एक टाइप सी केबल। और ये है हमारे पास पोको M4 प्रो। तो इस स्मार्टफोन की पोल और बटन की बात करते हैं पहले। तो राइट साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम बटन, टॉप साइड में स्पीकर और IR ब्लास्टर और एक नॉइस कैंसलेशन माइक देखने मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे देखने मिल जाता है जैसे कि आप देख रहे हो। और बॉटम में 3.5 mm का जैक, माइक, चार्जिंग पोर्ट और स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। तो फ़ोन की बात करें तो डिस्प्ले की, जिसमें आपको 6.6 इंच का IPS LCD पैनल वाला डिस्प्ले देखने मिल जाता है और साथ में 90 Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने मिल जाता है। और स्क्रीन की और बात करें तो इसके अंदर पंच होल कैमरा देखने मिल जाता है। ऐसे स्क्रीन के अंदर फ़ोन अच्छा है, बुरा नहीं बोल सकते। और इसकी बात करते हैं इसके बैक साइड की, जिसके अंदर आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है और साइड में पोको की ब्रांडिंग। वैसे ये फ़ोन रिब्रांडेड किया हुआ है रेडमी नोट 11 का। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, जिसके अंदर आपको मीडिया टेक का डायमंड सिटी वाला प्रोसेसर देखने मिलेगा, जो है 810 एसोसिएट का एक 5G प्रोसेसर और ये सपोर्ट करता है एंड्रॉयड 11 पर। तो इसकी रैम और स्टोरेज की बात करें जो 6GB और 64GB बेस वेरियंट होने वाला है स्मार्टफोन का। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन में एवरेज का होगा। तो अब बढ़ते हैं इसके कैमरा की तरफ। तो बैक साइड में आपको 50 MP का एक मेन कैमरा मिल जाता है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो इस स्मार्टफोन का प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सेंसर नहीं दिया गया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसके अंदर आपको 16 MP एक सेल्फी, 5 होल कटआउट में एक सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। एंड फाइनली बात करते हैं इसके बैटरी की, जिसके अंदर 5000 mAh का बैटरी देखने मिल जाता है और साथ में 33 वॉट का एक फास्ट चार्जर देखने मिल जाता है। मतलब ये जो स्पेक्स देखता है उसके हिसाब से फ़ोन सही है। और कैसा लगा है फ़ोन और वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।